जो थोड़ा यहाँ पे चला है चुनाव में पिछले कुछ चरणों में वो रहा है इंडिया पाकिस्तान का नैरेटिव, और उसमें शुरू शुरू में ये हुआ कि ये भारत वो भारत नहीं है जो तमाशा देखता रहेगा, खड़ा होके घर में घुस कर मारेगा। कुछ ये भी बातें चली थी, कुछ गार्डियन में एक फॉरेन पब्लिकेशन उसमें आर्टिकल भी आया था कि कुछ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ 20 टेररिस्ट को पाकिस्तान के सॉइल में मारा। तो ये सब इन सब पे टिप्पणियां भी हुई हैं हम लोगों ने, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मणिशंकर अय्यर जी ने अभी आके कहा कि जो है पाकिस्तान के संग हमको खिलवाड़ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसे में उनको ये नहीं समझना चाहिए कि उनके पास एटम बॉम्ब है, वो भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी एक तरीके से तुष्टिकरण का ही नैरेटिव है। देखिए, भारत में बहुत स्पष्ट नीति है कि ना हम दूसरे देशों के राजनीति में इंटरफेयर करते हैं, ना दूसरे देशों ने हमारी राजनीति में इंटरफेयर करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पुराने जमाने में हमारी कमजोर सरकारें रही हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। टेररिस्ट हमारे देश में, और मैं तो मुंबई का हूँ, मुंबई में आके जिस प्रकार से हमें टेररिस्ट हैव हेल्ड अस टू रैंसम, और कितने हमने हादसे देखे हैं मुंबई में, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो या टेरर अटैक हो 2008 का, ऐसी परिस्थिति में ये जो निहत्थी सरकारें कांग्रेस ने इस देश को दी, उसका जरूर हर देशवासी को दुख है। और आज हर देशवासी को गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया या उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार देश का मनोबल बढ़ा, देश को सुरक्षा का एक माहौल मिला, देश में हर एक व्यक्ति ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, और ये बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में। एक महिला ने मुझे देखते ही कहना शुरू किया, आप मेरी बात मोदी जी तक पहुंचाइए, क्या हम बहुत खुश हैं, मोदी जी को ही वोट करेंगे। और मैं एक महिला के नाते कहना चाहती हूं कि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूं आज भारतीय होने में। और फिर लंबा उन्होंने एक बड़ा उज्जस्वी, बहुत बहुत एक्साइटमेंट के साथ एक डेढ़ मिनट तक मुझे सुनाती रही कि मोदी जी को ये बताना। तो आई टेल यू, आज मूड ऑफ द नेशन है कि भारत को फाइनली स्वाभिमान मिला है जी। भारत अब झुकने वाला नहीं है किसी के साथ। ये जो नई सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आई है भारतवासियों में, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता का ये भी एक बहुत बड़ा कारण। ऑपोजिशन का कहना है